यूपी के अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य बख्शीश अहमद वारसी ने मदरसों का किया निरीक्षण। खबर जनपद महाराजगंज से है, जहां अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य बख्शीश अहमद वारसी ने गुरुवार को निचौल पहुंचकर अनुदानित मदरसों का हाल जाना। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि सरकार के कार्यों से विपक्षी घबरा गए हैं, इसलिए वह अनाप शनाप बातों में उलझा कर लोगों को भ्रमित करना चाह रहे हैं। प्रदेश सरकार द्वारा मदरसों की जांच का मकसद था कि प्रदेश में कितने मदरसे मान्यता से चल रहे हैं और कितने गैर मान्यता से। मदरसों को बंद करने का कोई इरादा सरकार का अभी तक नहीं आया है। फ्रेंड्स, तुम्हारे में है दिखाता जिसको अपने जबान में इंग्लैंड कहते हैं। इंग्लैंड की बार मदरसों के निरीक्षण के दौरान बख्शीश अहमद वारसी ने कहा कि मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को और बेहतर शिक्षा दिलाने की सरकार की मंशा पर काम किया जा रहा है। मदरसों के निरीक्षण में कुछ कमियां भी पाई गई हैं, इसकी बेहतरी के लिए निर्देश दिए गए हैं। मदरसा संचालकों को मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों को उच्च स्तरीय शिक्षा से जोड़ने के भी लगातार निर्देश दिए जा रहे हैं। उर्दू अरबी के साथ साथ अंग्रेजी, हिंदी, साइंस, गणित, कंप्यूटर की शिक्षा मुहैया कराना है। इन्होंने कहा कि वक्फ की जमीन, जिस मकसद से लोगों ने वक्फ की संस्था को दान किया है, उसी को पूर्ण करने के लिए योगी सरकार ने अहम कदम उठाया है। श्री अहमद वारसी उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग का सदस्य, आपको पहले बता दिया था, मेरा उद्देश्य, मेरा लक्ष्य जांच नहीं, हमें ये देखना है कि इस समुदाय के अल्पसंख्यक समाज से जुड़े मदरसे हो या जो भी, उसमें तालीम कैसी हो रही है, तालीम की क्या व्यवस्था है, क्योंकि कुछ ऐसे जगह हमको मिले हैं जहां मदरसा है, भवन नहीं है, बच्चे नहीं हैं, तालीम देने वाले जरूर वहां विराजमान हैं। सर, अभी आप वर्तमान में निचलौल मदरसे में हैं, यहाँ की व्यवस्थाओं से किस हद तक संतुष्ट हैं आप, क्या कमियां पा रहे हैं? संतुष्टि की बात जहां तक आप करेंगे, संतुष्ट तो बिल्कुल नहीं है। इतने बड़े दायरे में जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए वो नहीं है।